तुम्हारे साथ है। ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। करीब 10,000 से लेकर 70,000 की भीड़ का अगर इकट्ठा रहना वहाँ पे, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो लोगों का जो आंदोलन था दिल्ली सेंट्रिक नहीं था, मुंबई में देख लीजिए आप, बेंगलोर के अंदर देखिए, हैदराबाद के अंदर, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी लोग कैंडल लाइट लेके निकले थे। एक प्रामाणिक व्यक्ति के नेतृत्व में एक बड़ी बीमारी से लड़ने का एक आंदोलन ऐसा चला है जिस पर पूरे देश ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये एक बड़ा शुभ लक्षण है। और इससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा ऐसी कोई आशा कम से कम मुझे नहीं थी, क्योंकि अरविंद को भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहले से जानता था, तो उनका काम भी थोड़ा देख चुका था, तो वो एक अच्छा जुझारू संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता जरूर था, लेकिन वो कोई उस बड़े स्तर पर चिंतनशील, कोई विचारक का चिंतक उस तरह के रूप में मैं नहीं समझता, ना मैं समझता था ना देश उसको वैसे देखता था। कुछ तो था आईएसी मूवमेंट ने में जिसने अलग अलग तबके के लोगों को घरों से निकालकर वहां एकत्रित होने पे मजबूर किया था, बिकॉज हमें लगा कि ये भारत का तहरीर स्क्वायर मोमेंट है। एंड आई मेट सो मेनी पीपल दैट आई न्यू हु हैड कम टू सी व्हाट्स हैपनिंग। सो आई हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन। लोकपाल ये लोगों का पालक है और पूरे पावर जनता को दिए है जी। वो लोकपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, शासन प्रशासन इन पर कंट्रोल करना है, स्वच्छ शासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो। ये पंतप्रधान भी लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में होना तो पॉलिटिक है ना, उस पर जनता का अंकुश होना, जनता का कंट्रोल होना। उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया, पंतप्रधान कैसे, पंतप्रधान पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर लगाम लगाने के लिए इस तरह का बिल कई दफ़ा लाया गया। ये लोकपाल नाम ये अभिषेक सिंघवी के फादर लक्ष्मीमल सिंघवी ने ऑम्बुड्समैन का लोकपाल ट्रांसलेशन किया था। ये लोकपाल का नहीं लोकबल का आंदोलन है, और लोकबल जहाँ है उनके साथ खड़ा होना हमारा धर्म बनता है। 79 साल के हो चुके हैं, आपको बहुत कुछ मिल चुका है, अब आप और क्या चाहते हैं। मुश्किल ये है कि ज्यादा अन्य हजारे जी को ज्यादा संविधान का तो मालूम नहीं, प्रॉब्लम असली है। अन्ना हजारे का आंदोलन जब चल रहा था तो आखिरी के 12वां 11वां 12वां 13 दिन तो बहुत ही खराब था अन्ना के लिए। अन्ना की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा पूरी एडवाइस थी मेडिकल डॉक्टर्स का, जो पूरा काउंसिल था, वो जो पूरा टीम थी वो कह रहे थे कि अन्ना विल इज गोइंग टू गेट वेरी सीरियसली इल एंड उनको कुछ ले लेना चाहिए। और जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो गया था आपको मालूम है, और काफ़ी बातें उसमें तय भी हो गई थी। जो चार कंडीशंस थी उसमें से तीन कांग्रेस और बाकी पार्टियां मानने को तैयार थीं, बट अरविंद वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज गोल पोस्ट एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। एंड अन्नाज टीम एंड को टीम ऑफ पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, पीपल ही ट्रस्टेड एंड वॉन्टेड टू बी विद, वर वेरी वेरी वरिड। And some of us were. And in fact, I remember there was a whole munch, and there was this place, some space below, and we were always there. And there was of course throngs of crowds here, and the media behind. And I was there, and I remember I was literally in tears, and I was talking to Medha ji also, Medha Patkar ji, ki kuch ho jayega, aisa na ho ki Anna ji mar jaye, unki jaan ja sakti hai. लेकिन अरविंद ने कहा नहीं नहीं चुप रहो लिटरली प्रेस माई हैंड सो इट वॉज सो टाइट दैट वी डोंट शो योर टीयर्स चुप रहो
इनको लोगों को दिखना नहीं चाहिए तुम्हारे आंसू कि लोग वीक हो रहे हैं, तब टू पुट द प्रेशर ऑन, बट ही डिडंट केयर फॉर ना. और तब मैंने अरविंद के स्वरूप को देखा, इतना ज़्यादा वो जो चेहरा जिसमें मासूमियत मुझे नज़र आती थी उसमें एक बिल्कुल ही एक घिनौनापन और एक क्रूरता मुझे उस चेहरे में दिखाई दी. आई सॉ इन हिज आईज दैट काइंड ऑफ रूथलेसनेस, अ मैन विदाउट एनी स्क्रूपल्स, विदाउट एनी कॉन्शियंस एंड विदाउट एनी इमोशंस. द वे ही रिएक्टेड व्हेन नॉट जस्ट मी बट मेनी अदर्स गॉट टुगेदर एंड लिटरली पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ब्रेक द फास्ट. लेकिन वो भी डर गए, 12-13 दिन हो रहे हैं और मैं कब तक खींच पाऊंगा. तो उन्होंने अपने गांव के लोगों को विलासराव देशमुख कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजा कि भाई मैं तोड़ना चाह रहा हूं लेकिन ये जिद पे अड़ा हुआ है, तो आप मुझे कोई ना कोई एक ऐसा पत्र दो आश्वासन का तो मैं तोड़ दूं. लेकिन वो पत्र जो है हिंदी में या मराठी में देना ताकि मुझे इनसे ना पढ़वाना पड़े. खुद विलासराव देशमुख को चिट्ठी को लेकर के जब चढ़ रहे थे चिट्ठी देने के लिए उनको, तो मेधा पाटकर बीच में ऐसे हाथ फैला के खड़ी हो गई. आप नहीं जा सकते ऊपर. बोले क्यों? नहीं नहीं आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप. बोले ताई जरा सब्र करो, मुझे बुलाया गया है तो मैं आ रहा हूँ, मैं वैसे नहीं जा रहा. अब गए ऊपर, चिट्ठी दी, पढ़ लिया. आज जनलाभ पाल के तीन मुद्दे रेगुलेशन के साथ जो पार्लियामेंट में सम्मत किए गए हैं, इसलिए मैं सभी पार्लियामेंट मेंबर को बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं. विलास मुक्तिमन जी का सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं. भारत माता की जय. अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, जय इंकलाब, जय इंकलाब, जय इंकलाब, भारत माता. तो ये बताइए कुमार भाई कि जो पहले दिन की याद करता हूँ, रामलीला मैदान पर जो भारत माता का चित्र लगा हुआ था, तो अन्ना जिस पृष्ठभूमि से आए थे और आजीवन उन्होंने वो किया, एक्टिविस्ट रहे हैं, तो पहले दिन जो भारत माता का चित्र था वो हटा क्यों दिया गया अगले दिन? उसके पीछे कहानी क्या? जो रामलीला मैदान का है? नहीं, रामलीला मैदान में देखिए, मुझे मेरे को लगता है कि अगर आज मैं उन लोगों से असहमत हूँ तो मैं हर वो बात ना बोलूँ जो झूठ भी हो लेकिन उनके खिलाफ जाती हो, मुझे सच बोलना चाहिए. तो जंगपुरा में एक मकान है प्रशांत भूषण का, वहाँ मीटिंग रखी गई कि 19 से अब ये बैठना शुरू करना है. तो ये तय हुआ कि मंच का कैसा बनेगा और मंच का संचालन वो कुमार के हाथ में रहेगा. तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ वहाँ अरविंद ने 2-3 लोग और भेज दिए, जिनमें आज एक लड़की संवैधानिक पद पर है दिल्ली में, वो भी मेरे साथ भेज दिए और उसके कुछ लोग भी भेज दिए. उन्होंने मुझे जाकर कहा कि ये जो पीछे बनेगा इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ज्योतिबा फूले होंगे, इसमें अशफाकुल्ला खान और मौलाना आज़ाद की फ़ोटो होगी, तो और इसमें जो है वो भारत माता की बजाय ऐसा करेंगे. तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? बोले नहीं नहीं, इसमें पिछली बार ऐसा हो गया था, मुसलमानों को ये मैसेज है कि ये आंदोलन हमारा नहीं है, इसको RSS चला रहा है, हमें वो मिथ तोड़नी है. मैंने कहा मुसलमान हिंदू एक जैसे सब समझते हैं कि सब आते हैं. पिछले दिनों जब 2002 में गुजरात में फसाद हुआ, महाराष्ट्र में 1992 और 1993 में जो भयानक फसादात हुए, उस ताल्लुक से भी बात हुई कि अन्ना हजारे साहब ने उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर मरहम का पाया नहीं रखा. ये हमारी एक शिकायत जो मुसलमान महसूस करते हैं वो उनके सामने रखी. हम सब आपकी सपोर्ट अन्ना जी के लिए. देखिए जहाँ तक करप्शन का सवाल है, लोकपाल बिल का सवाल है, उसमें कहीं कोई इख्तलाफ नहीं. मुल्क में करप्शन एक मसला है. जो 5 मेंबर्स टीम है, हमने रखा कि भाई उसमें कोई मुसलमान नहीं, तो ये चाहिए था कि उसमें कोई मुसलमान भी होता ताकि ये मैसेज जाता, मुसलमानों में ये एहसास होता
के मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। बिल्कुल साफ मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम हो या भारत माता की जय, मुसलमान सिवाय खुदा के किसी की पूजा नहीं कर सकता। ये हकीकत है और इस्लामी तालीमात नहीं है। तो जब खुदा का हुक्म यह है कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, तो हम किसी ऐसे नारे को फॉलो नहीं कर सकते, नारा नहीं लगा सकते जो इस तरह के नारे हो। हम आपके लिए सोचें, आप हमारे लिए सोचें, हम आपके मुद्दों को उठाएं और ये हमारे मुद्दों को उठाएं। हम कौन हैं और आप कौन हैं? जी, इसमें हम कौन हैं और आप कौन हैं? आप और हमें, हमारे दरमियान जो दीवारें खड़ी की हैं, तब पैदा होगा कि मुल्क के 75 करोड़ मुसलमानों व आवाम की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो जब साथ देंगे तो हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, आप एक अरब से भी ज्यादा है, तो आपकी आवाज में ज्यादा वजन होगा। और जब दो आवाजें मिलेंगी तो फिर उसके बाद वो आवाजें खत्म हो जाएंगी जो आवाजें हमारे तो एक आवाज आई कि भाई अब हमें जो है करप्शन के खिलाफ खड़े होना है। तो हमने कहा ये करप्शन तो सारी चीजों की जड़ है। तब मैं उस आंदोलन में शरीक हुआ और जब इमाम बुखारी जैसे लोगों ने और मुख्तलिफ अलग अलग जगहों के लोगों ने जब मुखालफत की कि इस आंदोलन में नहीं जुड़ना चाहिए और ये कहा कि अगर करप्शन खत्म हो गया तो मुसलमानों के काम होने बंद हो जाएंगे, तब मैंने खड़े होकर ये कहा कि तुम ये अन इस्लामिक बात कर रहे हो, गैर इस्लामिक बात है, गैर धार्मिक बात है। और राष्ट्रीय एकता व अखंडता, जब मैंने मोहम्मद साहब का वो कथन देखा, जो उनका कौल है वो देखा कि अपने वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। सत्ता पक्ष ने अन्ना जी की कुछ डिमांड्स को मानकर उनसे अनशन तो तुड़वा दिया, लेकिन उसके बाद सरकार फिर से मंद चाल चलने लगी। सरकार ने जनलोकपाल बिल पास करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। टीम अन्ना ने परेशान होकर आंदोलन को फिर से इंटेंसिफाई करने का डिसीजन लिया। नवंबर दिसंबर के महीनों में दिल्ली में ठंड का प्रभाव होता है, तो आंदोलन वालों को चिंता थी भीड़ जुटनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अगला बैटलफील्ड मुंबई को चुना गया। अन्ना जी ने मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि आपने कुछ पैसे का गड़बड़ किया हुआ है। अब वो पैसे तो ना मैंने खर्चा किए थे ना मेरे पास थे, वो पैसे अरविंद के ही दिल्ली से ही आए थे। मैंने एक मीटिंग के अंदर कह दिया कि अन्ना जी आपके पास दो विकल्प है, या तो आप प्रूव कीजिए जो आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए, या तो माफ़ी मांगिए। और प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे एक कमेटी बिठा दीजिए, अरे प्रशांत भूषण और दो तीन जन की, और मेरे सारे अकाउंट्स में जाइए और मुझे प्रूव कीजिए कि मैंने 10 पैसा भी यहाँ कमा किया। मैंने बोला आज के बाद मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा जब तक आप दो में से एक चीज ना करें, या तो माफ़ी मांगे या तो मेरे ऊपर इंक्वायरी सेट करें। तो इनके मॉरल स्ट्रेंथ इतनी थी नहीं कि उसको वो फॉलोअप कर सके। फिर अरविंद को, अरविंद ने ये कहा कि अन्ना जी ये कह रहे हैं कि मयंक गांधी रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। हाँ, अरविंद ने मुझे कहा कि इस तरह की बात चल रही है अन्ना जी की तरफ से कि भाई या ये रहे या मैं रहूँ। तो मैंने कहा देखो अरविंद, तुम यूज़ एंड थ्रो आदमी हो। आपने बोला हाँ, मैं तो खुला ही बोलने वाला आदमी हूँ, मतलब आप यूज़ एंड थ्रो आदमी हो। इस समय में अगर आपको किसको थ्रो करना पड़े तो आप मुझे थ्रो कीजिएगा, क्योंकि अन्ना जी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मयंक गांधी कौन है यार, 100 आदमी नहीं जानते। तो उसने कहा बिल्कुल मयंक, तुम्हारी बात सही है, अगर ये आवश्यक पड़ा किसको निकालना तो मैं तुमको निकाल दूंगा। यू मोस्ट वेलकम। बोले मैं जानता हूँ कि कुछ भी बात में दम नहीं है। बोला नहीं, देश के लिए करना है ना, तो देश के लिए मैं यूज़ एंड थ्रो होने के लिए तैयार था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पावर में आने के लिए मैं यूज़ एंड थ्रो होने को तैयार नहीं था। तो वही यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी, उनका जो कहना है कि कार्यकर्ता का क्या है, एक आएगा तो एक जाएगा तो 10 आएंगे। ये कहते थे कि हमको पार्टी के अंदर मयंक एक भी दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो खाली मैं जो कहूँ वो करे और भारत माता की जय बोले, बाकी सोचने वाला आदमी नहीं है, मैं जो सोचूंगा वैसे पार्टी को चलाएंगे। जनवरी में फिर एक बार मैं अरविंद के साथ ही बैठा हुआ था और इन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली की जनता के नाम या देश की जनता के नाम। इन्होंने कहा कि जनता बताए, हम तो तिराहे पे चौराहे पे खड़े हैं, जनता बताए हमको क्या करना चाहिए। कि वो अब पृष्ठभूमि बनने लगी जो हमेशा से हुआ है कि पहले हमने डिसाइड कर लिया और
बाद में हमने जनता के सर पे थोप दिया कि नहीं, चूंकि जनता चाहती थी ऐसा करें तो हमने ऐसा किया। जनता में बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, आप राजनीतिक दल बनाओ, चुनाव लड़ो। तो आपने चिट्ठी भी ऐसी लोडेड चिट्ठी लिखी कि पार्टियां कहती हैं कि हमारे मैदान में आओ, हमसे चुनाव मैदान में आके लड़ के दिखाओ, तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब, जब आप सवाल जैसा पूछोगे वैसे ही जवाब मिलेगा ना। अब आप सवाल ही ये पूछ रहे हो कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, तो लोग कहेंगे हाँ लड़ना चाहिए। हम जब हरियाणा गए थे तो मैं अरविंद केजरीवाल की कार में बैठी थी, उसकी वाइफ थी। तो हरियाणा वालों ने पहले से ही ये सब सोचने लगे थे, या तो कभी मीटिंग में बात हुई होगी। तो जब भी खिड़की खुले कोई भी हरियाणा वाला आए, बाबा अरे बेटा तू प्रधानमंत्री बनेगा, और उसको अरविंद केजरीवाल नमस्ते करें और वो उसको आशीर्वाद दे और गाड़ी आगे चल पड़े। मैंने कहा अरविंद जी ये आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स थोड़ी कर रहे हैं, कोई ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन तब तक मुझे लगता है ये सेकेंड फेज ऑफ आंदोलन है, तब तक शायद इन्होंने मन बना लिया था जो हमें नहीं पता था। कुछ समय के बाद ये लगने लगा कि इनका और संजय सिंह का ये तय है कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। एक बार क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सब आए थे, अन्ना जी नहीं आ पाए थे, तो वहां पर शांति भूषण जी थे। शांति भूषण जी के मुंह से निकल गया, तो मैंने सुना कुमार विश्वास कह रहा है अभी नहीं बताना था ना, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें, लास्ट का जो आंदोलन बिल्कुल बूम, जब हुंकार भरी अन्ना जी ने और 1,00,000 पहुंच गए, उस वक्त इनके दिमाग में वो चलने लगा था। नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक बार डिस्कशन हुआ कि हमको भी पॉलिटिक्स में जाके हमको तो इतनी सीट मिल जाएगी, तो अचानक मैं उस कन्वर्सेशन में था आईएससी के टाइम पे, तब उसमें कोर कमेटी थी, कोर कमेटी। तो मैंने पूछा ये पॉलिटिक्स में जाने की क्या बात है, तो बोले नहीं नहीं पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, ऐसे ही संजय बोल रहा है। बोला बस तो अगर जाओगे पॉलिटिक्स में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने एक मुझे कहा कि अन्ना जी ने हमको कहा था कि हिमाचल जाके चेक करो कि यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, तो बोले हम लोग वहाँ पे गए, वापस आके रिपोर्ट दिया कि छोटा स्टेट है तो इसमें ये हो सकता है, लेकिन अन्ना जी ने कहा नहीं 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 लड़ना है चुनाव। फिर वो तब तक इतना डिफरेंसेस हो गए थे अन्ना और अरविंद के, फिर उनको लगा गया और पब्लिक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मूवमेंट से कम होने लगा था। फिर अरविंद को लगा मैं अगर लीडर बनना है तो मैं ही अनशन पे बैठ जाऊं, जून 20 राइट, तो वो बैठ गए। कुछ दिन के बाद अन्ना जी को लगा कि ये पूरे क्रेडिट खा जाएगा, तो वो भी बैठ गए। इट्स अमेजिंग, क्या क्रेडिट और क्या ये सब अलग ही गेम है। अरविंद का मुझे फ़ोन आता था, मैं मुंबई में था, और बोले ऐसा चल रहा है, मेरे को अगर उन्होंने मेरा अनशन तोड़ने के लिए अगर वो डाला आईवी तो मैं उसको निकाल के फेंक दूंगा। और मैं स्टेज पे था जब मैंने सुना, और मेरी आँख पानी भर के और मेरे आँख बहने लगी, और मैंने वहाँ करा सबकी आँख बहने लगी। मुझे क्या पता था ये सब ड्रामा था यार, मैं तो अंदर दिल से फील किया कि ये कैसे कैसे आदमी, कैसा गजब आदमी है इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर उसने मुझे फ़ोन करके बोला मैं कोई रात चारा नहीं है, अन्ना जी और सब मर जाएंगे, इस देश का क्या भला होगा, हम पार्टी बनाएंगे। तो मैंने लोगों को पूछा क्या करना चाहिए, स्टेज पे था मैं, सबने बोला नहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। फिर बैंगलोर में पृथ्वी ने पूछा, उनको भी जॉब मिला, पार्टी बननी चाहिए। तो इस तरह से पूरा किया, और तब मैं भी खींच गया और मुझे लगा नहीं पार्टी बनना ही आवश्यक है, और शायद पार्टी अच्छी भी होती अगर उसको ढंग से चलाया जाता। सुबह सुबह किसी का 4-5 बजे फ़ोन आया कि आपके पेज के फॉलोअर्स कम होते जा रहे, उनके बढ़ते जा रहे, और तेज़ी से, मतलब हर घंटे में कई हज़ार के दर से। तो मैंने भी देखा हाँ ऐसा हो रहा था, ऐसे करते करते पता चला इनके 10,00,000 हमारे 10,00,000 फॉलोअर और उनके 10,000 फॉलोअर, वो दिन भर में करते करते हमारे 6,00,000 रह गए, उनके 4,00,000 बढ़ गए। तो एक तरीके से ये ट्रांसफ़र हो रहा था। फेसबुक को भी हमने लिख दिया, वहाँ क्लास एक्शन सूट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी,
मेरे दोस्त ही हैं, लॉयर हैं अमेरिका में, उनके थ्रू ये वो करके। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि वो ये जो ट्रांसफ़र हो रहे थे फॉलोअर्स, ये सब बंद हो गए और फेसबुक से जवाब आया नहीं नहीं कुछ गलती हो गई थी, कुछ टेक्निकल गलती। ये ऐसी टेक्निकल गलती कैसे हो गई? मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी बननी है तो कल को ये सारा नेटवर्क पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। तो जो लोग हैं जो जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टी बने या जो आंदोलन का हिस्सा बने रहना चाहते, उसमें से ऐसे लोगों को फिर कहीं ना कहीं से तो बाहर करने का रास्ता दिखाना है। ये वो तो कुछ भी उलझल उल आरोप लगाए, आप सुनते नहीं हो किसी की, आप सुनने का क्या, कोई क्लासरूम में थोड़ी आए। प्रशांत भूषण के घर में 17-18 लोग तैयारी करके बैठे थे कि मेरे से ये सब मुझे घेर लेंगे, लिटरली। मतलब ऐसे नहीं कि घेर के पिटाई करने लगेंगे, लेकिन ये थे उसी वाले उसमें कि हम इतने लोग हैं, हम इतने लोग हैं तो हम एक आदमी को दबा सकते हैं करके, इस वाले ये मूड में तैयार थे। मैं यही सारी बातें, और मैंने कहा कि ये सब बातें तो बेकार, यही बातें हैं कि आप किसी की सुनते नहीं हो, आप अपनी चलाना चाहते हो, आप किसी को इसमें। तो मैंने बताया, मैंने कहा आप तो कुछ आप अन्ना जी का वो नहीं करते हो, प्रमोशन नहीं करते हो। तो मैंने बोला अन्ना जी का तो प्रमोशन करते हैं, तुम ही ने मना किया था कि अन्ना जी का प्रमोशन मत करो, तो एकदम शर्मिंदा हो गए। जो भी बातें वो कह रहे थे वो झूठी थी, और मैं पलट के मैं बोल दे रहा था कि नहीं तो झूठ बोल रहे हो, और शर्मिंदा हो जा रहे थे और सब, उसमें अरविंद ज़्यादा। वहाँ पे अचानक से कुछ ये बात हुई, प्रशांत भूषण ने कहा कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। मैंने कोर्ट में लेके जाएंगे किस बात के लिए? कोर्ट में लेके जाएंगे मतलब को हमने चोरी कर ली है, कोई ढाका डाल दिया है, कोई घोटाला कर दिया है? घोटाला तो इन लोगों ने किया चंदे का। मैं गाता नहीं हूँ अच्छा, लेकिन ये एक तरह से हमारी आपकी देश की जनता की जो पार्टी बनने जा रही है उसका इसके अंदर पूरा भाव है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा पैगाम क्या है, हमारा संदेश क्या है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं रहा देखता रहा कि कोई ना कोई आ जाएगा कि देश खड़ा हो गया है, आप आ जाओ बाहर, हम देश में घूमेंगे, लोगों को जगाएंगे, ऐसा कोई ना कोई आएगा, इसकी मैं राह देख रहा हूँ। लेकिन कोई आया नहीं और 6 साल मैं चुप बैठा, क्योंकि मेरे को घूमने के लिए पैसा नहीं था। आज भी मैं बाहर घूमता हूँ, कोई ना कोई मुझे टिकट भेजते हैं, वो टिकट आने से मैं जाता हूँ। ऐसे मेरे लोगों को क्या पता है कि ये आंदोलन बाहर से दिखाई दे रहा, लेकिन ये कैसे आंदोलन चल रहा है लोगों को क्या पता है? हमारे देशवासियों को पता नहीं तो विदेश के लोगों को क्या पता है? कोई पता नहीं। इसलिए हानि किसकी हो गई? अन्ना हजारे की हानि नहीं हुई। अन्ना हजारे तो फकीर आदमी है, उसके पास सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है बस।
अगर हानि किसकी होगी, नुकसान किसकी होगा, देश का हो गया, समाज का हो गया। अगर उस टाइम पर हम लोग देश में घूमते, अन्ना टीम इतनी सुंदर टीम बन गई थी, ये टीम हम सब लोग देश में घूमते तो देश फिर से खड़ा हो जाता। और ये पक्ष और पार्टी से सरकार बनाने के बजाय हम पक्ष पार्टी विरहित, हम अंदर नहीं जाना लेकिन हम लोगों को खड़ा करके बताना था कि इस रास्ते से जाइए, देश को बदल जाएगा। छुपाना भी है, भारत नया बनाना भी है, कुछ खोके कुछ पाना भी है, भारत नया बनाना भी है, नींद से तुम्हें जगाना भी है, मुद्दों को सुलझाना भी है, नींद से तुम्हें जगाना भी है, मुद्दों को सुलझाना भी है, सही सही बदलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है। पारदर्शिता पानी जैसी ये ना हो तो ऐसी तैसी, पारदर्शिता पानी जैसी ये ना हो तो ऐसी तैसी, अपने गड्ढे खुद ही पाटो, जो बोया है वो ही काटो, अपने गड्ढे खुद ही पाटो, जो बोया है वो ही काटो, सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है। तब चंदा तोले पहले आप तो खुल कर बोले, औरों का तब चंदा तोले पहले आप तो खुल कर बोले, अन्य दलों से तब हो खुलासा, पहले आप से है ये आशा, अन्य दलों से तब हो खुलासा, पहले आप से है ये आशा, सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल।